हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज पता नहीं क्यों एकदम मन नहीं कर रहा है मैं उठूं, जाके ब्लॉग स्टार्ट करूं, काम करूं, ये करूं, वो करूं, एकदम मन नहीं कर रहा है। ऑलरेडी मैं आधा घंटा वेस्ट कर चुकी हूं ऐसे ही फ़ोन देखते देखते, रील्स देखते देखते, बट और नहीं करूंगी। अभी मैं फाइनली उठ जाऊंगी, काम करूंगी, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। और बाय द वे, कल हमारा घर का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है, तो कल पूजा होगा घर, तो यही सब है। तो उठना तो पड़ेगा, ऐसे लेट होंगी तो टाइम वेस्ट होगा, कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, तो इसलिए और बस 5 मिनट ऐसे लेट के उठती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आओ जल्दी। वाह, यहाँ पे ऐसा एक फ्लावर हो रहा है। दीप, तुम्हारे प्लांट में फ्लावर हुआ है? फिलहाल हम लोग तो यहाँ पे से प्लांट्स लगा दिए, बट थोड़ा तो टाइम लगेगा इसको फिर से ग्रो होने के लिए। यहाँ पे पुदीना तो पूरा मेरा चला गया, कितना बड़ा बड़ा पत्ता हुआ था, पुदीना पूरा सूख गया है। और ये सब पूरा गंदा हो गया था, इस पे चढ़ के पूरा ख़राब कर दिए थे। ये लड़का का बाल काटने के लिए 2 घंटा लग रहा है, इसे जिग जिग क्यों हो रहा है? अभी ठीक हो गया? और टोटल कितना टाइम लगेगा? और आधा घंटा? बाबा, मुझे लग रहा है दाढ़ी काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छे दिख रहे हो। दाढ़ी काटने के लिए फिर 1 घंटा मान लो, पूरा उड़ा दो। नहीं नहीं नहीं, अरे घर वापस आते आते 3-4 बज गया था, और उसके बाद आके हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए और लंच कर लिए। और दीप ऑर्डर किया था आइसक्रीम मेरे लिए, आम का ये ऑर्डर किया था, तो अभी ये हम लोग खा रहे हैं। वो लोग नीचे टीवी देख रहे हैं तो मैं ऊपर आके बैठी हूँ। आज घर का काम कुछ भी नहीं हुआ, मुझे जैसे लग रहा था आज नहीं होगा वैसे आज कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही सब शीट वगैरह पड़ा हुआ है, सीमेंट भी बाहर पड़ा हुआ था, पता नहीं फ्रंट का थोड़ा सा है, वैसे ही हम लोग क्लीन कर लेंगे क्योंकि कल पूजा होगा तो थोड़ा तो क्लीन करना ही पड़ेगा। और मैंने बिग बास्केट से सब ग्रॉसरी ऑर्डर कर दिया है, शायद शाम के टाइम में आ जाएगा, तो सब सॉर्टेड है। बस एक चीज़ पता नहीं मुझे जाके देखना पड़ेगा वो है या नहीं, तो पहले मैं नीचे जाती हूँ वो चेक करती हूँ है या नहीं। आज मैंने देखा और मैं आने के बाद मिकी का भी हेयर कट किया, और कितना स्मार्ट लग रही है मिकी इस चक्री कट। आज हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं, आज हम लोग करेंगे हमारे वॉल को पेंट। हमारा जो ये साइड वाला वॉल है वहाँ पे अभी हम लोग पेंट करेंगे। दीप ऑलरेडी पेंट ऑर्डर करके ले आया है, और रोलर भी ऑर्डर करके ले आया है, ब्रश सब कुछ ले आया है, जितना सब चीज चाहिए पेंट करने के लिए। और अभी वो वॉल को थोड़ा सा क्लीन कर रहा है, ऐसे झाड़ू देके क्लीन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे धूल वगैरह सब जमा रहता है, तो एक बार झाड़ू देके क्लीन करने से क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पेंटिंग। नीचे से पेपर बिछा दिए, तो मैं करूंगी ये वाला वॉल को पेंटिंग, और सबका डिवाइड डिवाइड कर लिए हैं हम, मेरा ये वाला वॉल है तो, और ज्यादा लेट नहीं करके मैं स्टार्ट करती हूँ। बार शायद करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला जगह फील नहीं हो रहा है। इतना तक कंप्लीट हो गया है, और मिकी का काम है वो एज पे से पेंट करिए, जैसे नीचे ना आए, स्कर्टिंग से नीचे ना आए, बट यहाँ पे आ गया है मिकी। हाँ, ओ तो पोछी दी सीटा पोछी। अच्छा ठीक है, तो इतना तक हो गया है। बारिश आ रही है, पता नहीं बारिश होगी तो क्या होगा इसका हालत, तो ये वाला वॉल आज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कलर है, और वो पहले जो लगाए थे वो दूसरा कलर है। दुकान से जो कलर लाए थे ना, वो कलर में क्या हुआ था, मतलब वो डब्बा जो होता है वो मशीन में मिक्स करके देते हैं ना, उनके वो गारंटी नहीं था, तो कलर डाल के दे दिए, मिक्स नहीं किया, तो जब निकला हमको हमारे यहाँ पे, तो वो वाला कलर दिखाओ। हाँ, पहले ये वाला लाइट कलर पर्पल, लाइट पर्पल दिख रहा था, अभी देखो डिफरेंस। फिर मानो डंडा वंडा ला के मिक्स किया उसको, खुल करके उतार के, उसके बाद ग्रे बोला कि भाई तो हम निकल रहे हो, टिकट चिल मर्थ लिया आज सैटरडे भाई, कौन कलम है ना, बैठा हुआ है बाहर से,
मैंने एक्चुअली हम लोग जो कलर खोज रहे थे वही कलर वो भेजे थे, बट हमको लग रहा था कि वो कुछ गलत भेज दिए थे। दो बार तीन बार कॉल करके भी बोल दिया। और जब हम लोग अच्छे से उसको मिक्स किए तब अच्छा, मतलब जो कलर हमको चाहिए था वही कलर निकला। तो इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है? तो आपके पास ऐसे एक मोटा डंडा होना चाहिए। हमारे केस में एक टाइल्स का टुकड़ा है, उसको लेके मिला एक मोटा डंडा देके मिक्स करना चाहिए। हम लोग कर रहे थे वो जो ये वाला, ये क्या है बोलो, वेल्डिंग रॉड से हम लोग मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं वो तो इसलिए ये मोटा कोई डंडे से मिक्स करना चाहिए या फिर दुकान से मिक्स करके लाना चाहिए? अभी एक्चुअली अच्छा लग रहा है ये वाला होल, मतलब इतना सा करे हैं बट अच्छा लग रहा है। ये ग्रे अच्छा लग रहा है ना, पहले वाला कॉम्प्रोमाइज लग रहा था, लग रहा था कि क्या भेज दिए। अभी लग रहा है कि हाँ हमारा सिलेक्शन अच्छा है। ये मनो का सिलेक्शन है, मनो के पास कुछ ऐप है, वो ऐप के थ्रू हम लोग फोटो लेके कलर सिलेक्शन किए। कितना कंप्लीट हुआ है मैं दिखा देती हूँ। ये वाला वॉल पूरा कंप्लीट हो गया और इस तरफ भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। काम करने के बाद सबको चाय मिल रहा है, माँ का सर्विस, बट मैं नहीं पी रही हूँ। मोपाई को कुछ पानी है? ना ना ना, मुझे जिमजम खरीदनी। मिकी जब पेंट करी थी यहाँ पे कैप पहन के करी थी, तो इसलिए वो कैप का कलर पिंक था, इसलिए यहाँ पे पिंक हो गया है। पिंक या रेड हुआ है? पिंक हुआ है। मान लो जब इधर न जाए। अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जाके स्विमिंग पूल में नहा के आएंगे, बट मैं अभी और नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर से आके रात में नहाना पड़ेगा, जो कि मैं एकदम नहीं कर सकती। कल सुबह सुबह उठना पड़ेगा, रसोई वसोई करना पड़ेगा, इसलिए वो लोग जाएंगे। वो लोग गए हैं चेंज करने के लिए, चेंज करके आने के बाद हम लोग निकलेंगे। मिकी मुझे बोली मुझे स्विमिंग आ गया है, देखते हैं आज क्या आया है। कौन अच्छी तो थे देखा मान लो इसको ठंड लग रही है, देखा इंस्ट्रक्टर तू नॉर्मली धरे के जेमती फ्लोट करथिलु एठरु रह के एति की जाके पहुंचबा चेष्टा कर कर एबे कर सेटा गरम लागती फ्लोट करे के एठी जाई टच करबा चेष्टा कर या ऊपर इंदी ओहळी की रहने एटा के जेम धरे के फ्लोट करथिलु स्विमिंग क्लास बाड़ी बाड़ी छाट दे। ये वाला फ्लावर का स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर भी दिख रहा है बैकग्राउंड। तो सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं और मैं बैठी थी देख रही थी, और मैं सोची कि कितना देखूंगी, मैं थोड़ा जाके वॉक करके आ जाती हूँ। तो फिर मैं चलती हूँ वॉक करके आती हूँ। और मैं घूम के आने के बाद मिकी मुझे बोल रही कि उसका हो गया है। हाँ कर इस। हाँ बढ़ू चू। मैं घर वापस आ गई क्योंकि बिग बास्केट अभी आ रहा है, तो बहुत सारा आइटम्स से कलेक्ट करना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ पूजा वाला जगह को भी थोड़ा सा अभी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि कल सुबह ही पूजा स्टार्ट हो जाएगा, तो सुबह और टाइम होगा या नहीं होगा, इसलिए ये सब कर लूँगी। वो लोग आते आते पहले मैं बिग बास्केट से आइटम सब ले लेती हूँ, उसके बाद भगवान का जगह को भी क्लीन कर देती हूँ। तो बिग बास्केट के सामान आ गया है और बहुत सारा सामान है, तो मैंने यहाँ पर रखवा दिया है, और अभी धीरे धीरे करके सेग्रीगेट करके रखेंगे। तो ये सब पनीर दही वही जो भी है सब फ्रिज में रख देते हैं, और उसके बाद पूजा के पास जो जो लगेगा फल फूल ये सब रख देते हैं, और ये सब साइड में रख देते हैं। और फूल वहाँ पे है, यहाँ पे फल मैंने इसे सजा के रख लिया, यहाँ पे घी और जैगरी यहाँ पे से रख दिया है, सब सेट हो गया है अभी। और मैं मेन एंट्रेंस में अल्पना करी हूँ, मैं सोच रही थी कल सुबह करूंगी, फिर पता नहीं क्यों मन हुआ आज रात में करने के लिए, और मैंने कर दिया। और सोची कि रात में करूंगी तो सुबह सूख जाएगा और ज्यादा अच्छा दिखेगा,
और मैंने यहाँ पे से किया और वहाँ पे बहुत ही छोटा सा की हूँ, क्योंकि बड़ा करूँगी तो फिर गंदा हो जाएगा, इसीलिए इतना ही की हूँ। और कल के पूजा के लिए फाइनली रेडी हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ हमने सजा के अच्छे से रख लिया है। ऑनलाइन डिलीवरी से एक ही सुविधा है कि आप घर बैठते बैठते सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब आप फूल, उसके बाद पान पत्ता, सब कुछ एक्चुअली आप ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हैं और एक दिन के अंदर आपके पास सब कुछ आ जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अगर हर एक सामान मिल जाता है, मतलब सीरियसली ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। आपको घूम घूम के ऐसे शॉपिंग करना नहीं पड़ेगा। बस फ्लावर मुझे थोड़ा सा लोकल शॉप से जाके खरीदना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। स्वीट्स भी मुझे लोकल स्टोर से जाके खरीदना अच्छा लगता है, नहीं तो और सब कुछ आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में। मुझे तो नींद भी आ गई थी और दीप ने बना लिया मैगी खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। दीप जो मैगी बनाता है मैगी को तोड़ देता है तो ऐसे छोटा छोटा हो जाता है, मुझे ऐसे लंबा लंबा मैगी पसंद है। अब जो है खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है।